सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मुझे कई कमेंट्स में आया था कि तबला ट्यूनिंग का भी हमें लेसन दीजिए, तो आज मैं वो लेसन आपसे शेयर कर रहा हूं। तबला बजाना जितना ज़रूरी है, तबला ट्यून करना भी उतना ही ज़रूरी है। तबला जितना अच्छा ट्यून होगा, उनके बोलों में मिठास और क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। हर एक तबले में 16 घर होते हैं, तो तबला मिलाने के कई तरीके हैं। कई लोग एक एक घर को मिलाते हैं, तो मैं आपसे अपना तरीका शेयर करूंगा। तो तबला मिलाने के लिए पहले आपको जानना ज़रूरी है, ये गजरा होता है जो जिससे तबला पूरा बंधा होता है। ये गजरा है, ये बद्दी है, बद्दी या रस्सी भी बोलते हैं, तो पंजाब में बद्दी बोलते हैं। और ये चाटी है, ये मैदान है, ये स्याही है। तो तबला को ट्यून करने के लिए जितनी बद्दी हम खींचेंगे उतना ही टेंशन आएगा गजरे के ऊपर, गजरा उतना ही मैदान को टाइट करेगा और ट्यूनिंग पिच अप जाएगी, और ढीला करना है तो पिच डाउन जाएगी। तो एक तरीका है कि सुर को सुन के सिर्फ एक एक घर को आप आगे आगे बढ़ाते जाएं, है ना, उसको सुनते जाएं और एक एक घर आगे करके एक एक घर को आपस में मिलाते जाएं। तो एक तरीका ये है जो मेरा तरीका है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि तबले के 16 घर हैं, 16 घरों को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, तो 4-4 के घर हो गए। अब जो 2 घर, ये वाले 4 और ये सामने, ये जो 2 घर बनते हैं, ये जब मैं इसको ट्यून करूँगा इस वाले 4 को, तो सामने वाले 4 ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएंगे। तो मैं सामने वाले घरों को पहले मिलाता हूँ, तो 4 घरों के जो सामने वाले घर हैं वो आपस में मिल जाएंगे, तो बीच वाले घरों को मिलाना बहुत आसान हो जाता है। अब ये तबला बी पे है, उसको हम अपनी इंडियन भाषा में 7वां सफ़ेद भी बोलते हैं, 7th वाइट। तो ये बी स्केल पे है, तो मैं इसको एक बार उतारता हूँ, फिर आपको चढ़ा के इसको ट्यून करके दिखाता हूँ। ये मैं तबला उतार रहा हूँ, जब तबला को मिलाना होता है तो सबसे पहले उसके जो गट्टे होते हैं, ये गट्टे आपको दिख रहे हैं, तो ये गट्टों को हम जितना खींचेंगे उतना टेंशन पैदा होगा बद्दी में, और जितनी बद्दी टाइट होगी उतना ही वो इसको उतना ही ये गजरे को खींचेगी। तो सबसे पहले हमें गट्टे को नीचे की तरफ धकेलना है हथौड़ी से। तो हथौड़ी, जो तबला ट्यून करने वाली हथौड़ी होती है, वो एक तरफ से पतली होती है, तो उससे मैं गट्टे को नीचे की तरफ धकेल रहा हूँ, तो एक एक करके। और सुनते भी रहना है कि सुर को समझना है, सुर के साथ इसका टोन कितना नीचा है कितना ऊंचा है, उसको सुनने की कोशिश करनी है। तो यही तबले को मिलाने का सबसे मेजर तरीका है। सबसे पहले आपको सुर की समझ होनी चाहिए। अगर नहीं समझ तो घर में एक तानपुरा, फ़ोन में आजकल सबके पास एप्लीकेशंस हैं, तो एक डाउनलोड कीजिए और उसको ऑन करके छोड़ दीजिए घर पे, तो 24 घंटे वो घर पे साउंड चलता रहे। तो ऐसा करने से आपके एटमॉस्फेयर में एक सुर की समझ पैदा होगी, कि आपको पता चलेगा कि ये सुर चल रहा है, तो अगर ये वाला तबला इससे कितना नीचा है और मेरे को इसको कितना ऊपर चढ़ाना है, तो ये सब तबला ट्यून करने में ये आपकी हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं, गिट्टे को आप सुनते सुनते चढ़ाइए कि कहीं ज़्यादा ना चढ़ जाए, और अगर पूरा चढ़ने पे भी तबला का वो साउंड नहीं पहुंच पा रहा है तो गिट्टे चढ़ाइए, और अगर स्याही को दबा के चेक कीजिए, तो अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं दब रहा है तो उसका मतलब है कि तबला इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो उससे उसको और उससे ऊपर टाइट करने से तबला फटने का डर रहता है, तो ये भी ध्यान दीजिए। ये मेरा तरीका है, मैं इसको सेंटर से दबा के चेक करता हूँ कि ये अभी थोड़ा और टाइट हो सकता है। अगर पूरा एकदम पत्थर जैसा हार्ड हो जाए तो उसके ऊपर मत चढ़ाइए, तबला कभी भी फट सकता है। तो अब बी पे हम इसे लगाएंगे, ये आधा नीचा है, ये सा पे आ रहा है। तो अब गिट्टे मैंने टाइट कर दिए हैं, अब
गजरा है और बद्दी है, तो कई लोग बद्दी पे भी बजाते हैं, हथौड़ी मारते हैं, उससे बद्दी टूटने का खतरा रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप गजरे पे हल्की सी चोट मारिए, तो वो मैदान को अपने आप टाइट करेगी और ट्यूनिंग उससे आसान हो जाएगी। मैं सामने वाले घरों को सुनता हूँ, तो और ये एक बहुत ही खास बात है, आप अपने तबले में भी देखेंगे, जब आपका एक घर ट्यून हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने वाला घर ट्यून हो जाएगा। तो आपको बस उसको एक गिट्टे को एक सही पोजीशन पे लाने की ज़रूरत है, ऊपर ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थोड़ा सा नीचा है, अब ये मैंने चढ़ाया, अब इसके सामने वाला घर अपने आप ट्यून हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसको पूरा आधा घुमाना है। ये घर हम ट्यून कर चुके हैं दोनों, अब इसके बीच वाला घर ये थोड़ा चढ़ा हुआ है, और इसके सामने आइए, ये अभी उसके बिल्कुल सामने वाला घर है, ये ऑटोमेटिकली ट्यून हो गया। तो ऐसे सिर्फ दो बार में ही आपका तबला ट्यून हो जाएगा। तो स्टेज पे ये बहुत हेल्प करता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब भी तबला आप ट्यून करें तो ये हमेशा याद रखिए कि सामने वाला घर कैसे ट्यून करना है, तो आपको इसमें मदद मिलेगी। तो एक फाइन ट्यूनिंग के लिए इसके सारे घर चेक कर लीजिए। तबला ट्यून है। तो डग्गा को ज़्यादातर लोग ट्यून नहीं करते हैं, पर डग्गा को भी ट्यून करने का एक तरीका है। इसको या गा पे या पा पे ट्यून करते हैं। तो जैसे ये बी स्केल का है, आपका तबला ट्यून हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सुनने पे काम करने की ज़रूरत है। तबला ट्यूनिंग कुछ मुश्किल नहीं है, आप कोशिश कीजिए। और हाँ, इसमें सावधानी की बात यह है कि हथौड़ी हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपकी चाटी पर टच ना हो, नहीं तो चाटी कट जाएगी और आपका तबला बेकार हो जाएगा, उसको नया बनवाना पड़ेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखिए, पहले धीरे से प्रैक्टिस कीजिए, धीरे से, बहुत ही ध्यान से। और एक बात और ध्यान रखनी है, गट्टे को चढ़ाते हुए ये हथौड़ी उनके पैर पे भी लग जाती है, मैंने बहुत लोगों के देखी है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं छोटा था, बिगनर था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप ट्यूनिंग कीजिए, तो होपफुली ट्यून बहुत अच्छा होगा। और कुछ नहीं होता, कोई सवाल होता है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। तो ये थी आज की तबला ट्यूनिंग वाली वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी तबला प्लेयर हैं और संगीत प्रेमी हैं वो सब मेरे से जुड़े, मैं सब सबसे बात करना पसंद करूंगा। धन्यवाद।